आज हम बात करेंगे पियर शेप बॉडी के ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में, उनको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह का फैब्रिक पहनना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पारुल और मेरे यूट्यूब चैनल बी कलरफुल में आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पियर शेप बॉडी के हिप्स, बस्ट और शोल्डर्स से वाइड होते हैं, लेकिन उनकी डिफाइंड वेस्ट होती है और आर्म्स और शोल्डर्स स्लिम होते हैं। उनकी लेग मस्कुलर होती है और ज़्यादातर वेट गेन उनके हिप्स, थाइज एंड लोअर टमी एरिया के अराउंड होता है। उनका बॉटम एरिया हैवी होता है, जो कि एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है उनकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में। इसलिए ड्रेसअप करते हुए उनका फोकस होना चाहिए उनकी अपर बॉडी और डिफाइंड वेस्ट पर, ताकि उनके वाइड हिप्स और मस्कुलर लेग्स पर ध्यान ना जाए। पियर शेप बॉडी पर रेयॉन, जॉर्जेट, शिफॉन, क्रेप, सैटिन, ये सारे फैब्रिक्स परफेक्ट लगते हैं। उन्हें स्टिफ और हैवी फैब्रिक्स, थिक फैब्रिक्स अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि ऑर्गेन्जा, रॉ सिल्क। पियर शेप बॉडी वालों को अपनी नेक लाइन पर फोकस करना चाहिए, उन्हें अपने शोल्डर्स पर फोकस करना है ताकि उनके शोल्डर्स वाइड लगें। आप ब्राइट कलर्स पहन सकते हैं, आई कैचिंग प्रिंट्स पहन सकते हैं, टेक्सचर्स पहन सकते हैं, या कुछ भी अपर बॉडी पर ऐड कर सकते हैं, लाइक स्कार्फ्स, नेकलेसेस, डैंगलिंग इयररिंग्स। आपकी नेकलाइन वाइड एंड शॉर्ट होनी चाहिए, नैरो एंड लॉन्ग नेकलाइन अवॉइड करें, वो आपके अपर बॉडी को स्लिम दिखाएगा। आप स्क्वायर, काउल कॉलर, ऑफ शोल्डर, बोट शेप, इस तरह की नेकलाइंस पहन सकते हैं। आप एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ताज या टॉप पहन सकते हैं। आप इस तरह का आउटफिट चूज़ करें जिसकी अपर बॉडी पर वर्क किया गया हो, ताकि सारा अटेंशन आपकी अपर बॉडी की तरफ चला जाए रैदर देन योर लोअर बॉडी। अगर आप हैवी वर्क वाले आउटफिट्स पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपनी ड्रेस को सुंदर नेकलेस या फिर अच्छे इयररिंग्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं, ताकि सारा ध्यान जो है वो आपके अपर बॉडी पर चला जाए। आप कैप स्लीव्स, पफ स्लीव्स पहन सकते हैं, ये आपके शोल्डर्स के अराउंड वॉल्यूम ऐड करेगा। अगर आप शॉर्ट स्लीव्स पहनना चाहते हैं तो आप उनको वाइड रखें, लेकिन अगर आप लॉन्ग स्लीव्स पहनना चाहते हैं तो आप उनको टाइट रखें, ताकि वो आपके हिप एरिया के अराउंड वॉल्यूम ऐड ना करे। आप ब्राइट कलर्स, बोल्ड पैटर्न, डिटेल वर्क वाले टॉप पहन सकते हैं, अपर बॉडी पर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स पहन सकते हैं, इससे आपके शोल्डर्स वाइड लगेंगे। आप फिटेड टॉप्स पहनें जो आपके वेस्ट के पास आकर फिटिंग दें। आपके टॉप्स हिप्स के नीचे नहीं जाने चाहिए, अदरवाइज आपके हिप्स वाइड लगेंगे। आप क्रॉप टॉप पहने जो वेस्ट पर एंड करते हों। अगर क्रॉप टॉप्स पहनना पसंद नहीं करते हैं, तो आप ऐसे टॉप्स पहने जो आपके हिप लाइन पर एंड करें, ना कि आपके हिप एरिया को कवर करें। आप अपने टॉप बॉटम में टक इन कर सकते हैं, उससे आपकी बॉडी कर्वी लगेगी। ऐसे टॉप्स ना पहने जिनके बॉर्डर पर वर्क किया हो या हिप्स के अराउंड कोई वर्क किया हो, पॉकेट्स हों। आप पेपलम टॉप्स या रफल टॉप्स अवॉइड करें। आप एम्पायर लाइन अनारकलीज पहन सकते हैं, ए लाइन कुर्तीज पहन सकते हैं, अंगरखा स्टाइल की कुर्तीज पहन सकते हैं। आप स्किन फिट कुर्तीज या फिर जो बॉडी हगिंग कुर्तीज होती हैं या शॉर्ट कुर्तीज, उनको आप अवॉइड करें, उससे आपके हिप एरिया बहुत ही ज़्यादा वाइड लगेगा। आप प्लाजो, सलवार, चूड़ीदार, लेगिंग्स ये सब पहन सकते हैं, ये आप पे बेस्ट लगेंगी। आप पटियाला सलवार अवॉइड करें, या फिर स्ट्रेट पैंट्स हो गई या धोती पैंट्स हो गई, ये आपकी लोअर बॉडी को बहुत ही हैवी लुक देगा। आप ऐसे जैकेट्स पहनें जो आपके बस्ट और शोल्डर एरिया में वॉल्यूम ऐड करे, जैसे कि क्रॉप्ड जैकेट्स होती हैं, मिड थाई जैकेट्स होती हैं। अगर आप लॉन्ग जैकेट्स पहनना चाहते हो, तो आप डार्क कलर की जैकेट पहन सकते हैं। उसी तरह आप मिड थाई कोट, वाइड कॉलर कोट्स या डबल ब्रेस्ट टाइप कोट्स, ये सब पहन सकते हैं। और जिनके बेल्ट हो जो वेस्ट एरिया के अराउंड लगती हो, इस तरह के कोट्स पहन सकते हैं। आप ए लाइन कोट्स, ट्रेंच कोट्स, ये सब आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आप स्ट्रेट कोट्स पहनना अवॉइड करें। आप ऐसे ट्राउजर्स या बॉटम्स पहनें जो आपकी लोअर बॉडी को मिनिमाइज करे और आपके हिप्स को डीएम्फसाइज करे। प्लेन, फ्लैट फ्रंटेड, बूट लेग, प्लेटेड, एंकल लेंथ, इस तरह के ट्राउजर्स या बॉटम्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आप मिड या हाई वेस्टेड बॉटम्स भी पहन सकते हैं। लो वेस्ट बॉटम अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके हिप्स को हाईलाइट करेगा। आप डार्क कलर के बॉटम्स पहने और उन पर ज़्यादा वर्क ना हो, या जैसे कि पॉकेट, बहुत ज़्यादा पॉकेट्स ना हो, या कोई लेस या कोई डिज़ाइन ना बना हो, इस तरह के बॉटम्स आप अवॉइड करें। आप स्किनी फिट और टेपर्ड बॉटम्स भी अवॉइड करें।
जीन्स आप मिड टू हाई राइज जीन्स पहन सकते हैं, स्ट्रेट बूट कट फ्लेयर जीन्स पहन सकते हैं। कोशिश करें कि आप डार्क डेनिम ही पहनें। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपकी पियर शेप बॉडी है तो आपको अपनी अपर बॉडी को हाईलाइट करना है, अपने शोल्डर्स को हाईलाइट करना है, अपने नेकलाइन एरिया को हाईलाइट करना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।